नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। एक बच्चों बच्चों का विवाद इतने दूर तक पहुंच जाएगा, इस बात को लेकर किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। हम बात कर रहे हैं खगड़िया ज़िले के मोरकाही थाना क्षेत्र के रसौक गांव के वार्ड नंबर 8 के। यहाँ ये चौधरी टोला में हमारी मौजूदगी है। पासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं जिनके घरों में रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा घरों में आग लगा दिया गया है और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद घर में सामान जुटाए थे। और हमारे साथ जो रोती बिलखती महिलाएं हैं, अपनी बच्चियों की शादी को लेकर जेवर भी रखी थी घर में, और इसके अलावा घर में कई जो है ज़रूरत के सामान थे, उस सब में आग लगा दिया गया। अब जांच का तो ये विषय है ही, आखिरकार किन लोगों का हाथ है इसमें, और कुछ जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं शायद उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी क्रूरता एक आम जो दिलेरी वाले आदमी ऐसे कुकृत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ की महिलाओं से ही जानते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है, क्या दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से छोड़कर चले गए थे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर जस्ट यहाँ से बाजू में ही पुलिस कैंप कर रही थी। और सवाल उठता है कि जब पुलिस कैंप कर रही थी तो फिर आग कैसे लगी? क्या इस बात को लेकर तनाव जो था गांव में या दहशत का जो माहौल था, क्या यहां के मोरकाही थाना प्रभारी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? और अगर पुलिस की यहां पर तैनाती की गई थी तो फिर पुलिस के रहते हुए कैसे घरों में आग लगाई गई? और अगर आग लगा दी गई तो फिर क्या यहां पर जो पुलिस कर्मी ड्यूटी पर थे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? इन तमाम सवाल को हम आपके बीच छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं की दर्द को आज जानना ज़रूरी है कि यह गरीब परिवार है जिनके घरों में आग लगा दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम किरण देवी बाबू। हमारा नाम सुनीता देवी। कौन सा घर आपका? ये है सर, ये है। कब आग लगी, कौन लगाया? 11:30 रात में। 11:30 बजे रात जी। हम तो सुन लिए डॉक्टर यहाँ गए बेगूसराय, लेकिन खाना पीना के जो भी रहा सब सहात होइएगी, आप देखबे की है। हमको कुछ नहीं दे पर बस्तर तहा नहीं रह, हम कैसे रह रहे समाज इस गाँव में। ये ना छोटा बेटा है, कहाँ है गुंजन? गुंजन अब यह छोटा बेटा है, एक बार का बेटा उन्हीं है, वो बारे में रहता है, सुनिए वो नहीं था घर में। आखिरकार क्या वजह क्या है, क्यों यहाँ पर दहशत का माहौल, आप लोग क्यों डरे हुए? डरे हुए हैं कि लड़ाई हुआ, बच्चा बच्चा में लड़ाई हुआ, दोनों तरफ से लाठी डांग चला, एगो मर गया उसमें मर गया, उसे लाठी से मारा, कौन से मारा हम नहीं देखे सर, मर गया। तो अब मर गया, हम छोटा जात हैं सर, सब मारलक जकर जकर नाम दिल के सब हमार हाजिर हो गए सर, सब हाजिर हो गए, कल हाजिर हो गए तब हमरा नहीं कुछ करत। घर घुस घुस के आवे छे 10 गो 20 गो, तनी तनी गो बच्चो आवे छे, सब कलक की ना करबो ना करबो ई करबो वो करबो, सब इज्जत लेबो ना करबो ना करबो। बगल में भाग चल गेलियन, बगल में छी करन दूसरा कन, कलिए की भाई रात के रहल तन बियाह में के चल जेबे हमें घर दुआर, आ रात के सुनलियन की आगिए लगाए दल के केना हमर बाल बच्चा रहत। घर में आग लगा दिया गया। हां यहां यही एक दुआर है, यही घर रहते हैं। आठ को घर जला है। बकरी नेमना भूसा 20,000 के भूसा था, भूसा भी जल गया, बाछी भी जल गया। क्या बता रही थी आपके घर पीटा पत्थर वगैरह बता रही थी? हाँ वहाँ है घर, हमको दिखाए, हमको जेवर ले गया, 2 गो टीका ले गया, 2 गो बाली ले गया, बेटी के लिए बनाए थे, 2 गो बेटी हमको जमान था उसी के लिए बनाए, पन्नी सहित हमको डिब्बा सहित लेके भाग गया, संदूक तोड़ करके। ओकर बाद ढेला लोग था, आप जी चिन्हे होंगे ना? इधर के लोग नहीं चिन्हे बाबू, हमको ढेला से मार के सबको भगा दिया, घर में ढूक करके ताला तोड़ करके सब चीज ले गया, घर से खींच के ले जेबे, एना करबे ओना, रोड़ा पत्थर चलबे छे, जेबर जाल जितना छे बेटा, ई घर हमर बेटा सब कुछ यहाँ रखे रहे, सब खींच के यहाँ सब उठा के पहिने ले गेले, तब रात के आग लगेलकै हन। एक बेटा पुतो मोसो माय छे, एखने छो हे मोसो माय छे, बेटा हमर कैंसर में मर गेले, इतने इतने गो बच्चा छे, सब बाल बच्चा के केना केना कमाए करके कर छे, मौसम आए थे बेटी पुतौ हो जाए छे, इतने इतने गो छे, 10 लाख बेटा कर्जा ऋण करके खेत बेच के बेटा इलाज कर लिए, तो वो बेटा नहीं बचले, ई गाँव के लोग केना बजा पर बेटा रखबो, हमे सब चल जवान जवान बेटी पोती के सबके डर से भगा देने छे। आँ
छोटका में मुर्गा आबे छै सब बदमाश खैलो खिलैलो ई कर्म करबैलो ठोरी बढ़िया करलो। ई घर में दू गो चौकी छै दू गो कुर्सी टेबुल बकरी दू गो बकरी चार गो बच्चा ई घर में बेटा हमर सब जेवर जान हमर रखे रहे घर में तला में सब पहिने तोड़ दल के बेटा सब तोड़ के सब निकाल के ला गेले जाय रिया डोर से सुते नै रिया बैठल रिया 11:30 बजला ने रात तनी बना के लो घर ले अतरक ला मुंह में कोई चाट मारे छे ओ हमर गोतनी उठले के छे ए दीदी की देखै छन घर में आग लगाए दल कन या तखने से ची करिए हो बाबू कोई नै छ आवान हो हमर आग बुता दे न हो कोई नै छ हो त डोर से नै ये तब थाना पर फोन कर लिए पुलिस अलै बड़ा बाबू अलै तब जाके जब ऊ सब अलन तकर बाद हमे आर घर से कर लिए हमे आर घर से डोर से नहीं कर लिए कि हमारी कलबे तो हमरो आर के जरा देते मार देते। इतना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी खगड़िया जिला कमेटी की ओर से इस घटना की कड़ी मैं निंदा करता हूँ। आज से 3-4 दिन पहले क्रिकेट के खेल खेल में बच्चों के बीच मारपीट हुई और बड़े लोग उसमें हस्तक्षेप किए और फिर एक डंडा लाठी चल गया, उसमें एक आदमी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया। उस मर्डर के उपरांत समाज में असामाजिक तत्व जो है इसको जातीय जो है उन्माद का रूप उन्होंने दिया, जो कि काफ़ी गलत हुआ, सही नहीं हुआ। जबकि जो हत्यारे पक्ष के लोग हैं उन्होंने अपना सरेंडर दिया कोर्ट के अंदर, फिर कानून को इसमें काम करने देना चाहिए था, ये कहीं से भी ठीक नहीं हुआ रात की घटना। हम मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है कि जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर जले हैं उनको तुरंत जो है सो राहत मुहैया कराई जाए और उसके बाद जो आग जनी हुई है उसमें फर्द बयान लिया जाए और फिर माहौल को शांत करने के लिए एक शांति समिति की बैठक बुलाई जाए। लेकिन मुझे जो लगता है इसमें कि ये जो घटना घटी है ये असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल समाज के कुछ सफ़ेदपोश लोग शायद कर रहे हैं और इसको जातीय उन्माद दे रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी एक मांग ये भी करती है कि इस घटना का उच्च स्तरीय जांच करा करके और फिर जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी भी समाज के लोगों का जो है पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से अगर घटना घटती है तो उस व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होता है, ना कि पूरा समाज या पूरा कम्युनिटी जो है वो जिम्मेदार होता है। लेकिन इन लोगों का जो दर्द है इस दर्द पर मरहम लगाना जिला प्रशासन की जो है काम है, क्योंकि जिनके घरों के तमाम सामानों को जला दिया गया है अब तो देखना लाजमी होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है।